स्टूडेंट मैं शाइन लूथरा, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करवाऊंगी, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। यानी कि आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज, और पावर रिसोर्सेज मतलब जो पावर क्या होती है, शक्ति, उसके संसाधन के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कीरी इज विजिटिंग सुकंत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। अब जो कीरी है वो सुकांत से मिलने के लिए धनबाद के जो पास में एक जगह है वहाँ पर वो गई है। ही कीरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। वो जो देख के बड़ी हैरान हो जाती है, बहुत बड़ा एरिया जो ब्लैक है। तो जो टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक, सुकंत वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो वो उससे पूछती है कि जो ये जगह है इतनी काली क्यों है, इतनी डस्टी क्यों है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कॉल माइंस नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे जो पास में जो है वो कोयले की खदानें हैं जहाँ से कोयला जो है वहाँ से निकलता है। तो डू यू सी द ट्रक्स, क्या आप कोई ट्रक देख रहे हैं? ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल। ये जो है क्या कर रहे हैं, कोल को यानी कि कोयले को जो है वो लेकर जा रहे हैं ये ट्रक। वट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, आस कीरी। कीरी ने उससे पूछा सुकंद से, तो सुकंद ने उसको बताया, Have you ever seen a baker baking biscuit? क्या तुमने कभी वो देखा है कि बिस्किट को बनते हुए देखा है कि किस तरीके से उसको बेक किया जाता है। The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. किसको, फ्लोर को, मिल्क को, शुगर को, और कई बार अंडों को, जो एग्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, साथ में सबको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? लेकिन जब तुम इस बिस्किट को खाती हो तो तुम्हें ये सारे इन्ग्रीडियंट अलग अलग दिखाई देते हैं। Just as in the biscuit, ऐसे ही बिस्किट के जैसे ही, there are a number of things that you can't see, rocks, इसी तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, number of things मतलब बहुत सारी चीज़ें जो तुम देख नहीं सकती, वो कहाँ होती हैं, you can't see rock, तुम rocks के अंदर नंबर ऑफ थिंग्स जो देख नहीं सकती, जो कि अर्थ के ऊपर है, ऑन दिस अर्थ हैव सर्वर मटीरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन देम। उनके अंदर क्या होते हैं, सर्वर मटीरियल्स, जैसे कि हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट के अंदर फ्लोर होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, एग होता है, लेकिन हम जब वो बिस्किट खाते हैं तो हमें पता नहीं चलता उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो चट्टानें होती हैं अर्थ के ऊपर, जो रॉक्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारे मटीरियल्स मिक्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, चट्टानों में भी काफ़ी सारे चीज़ें मिक्स होती हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रश। ये जो मिनरल्स हैं, ये जो खनिज हैं, ये जो अर्थ की जो अर्थ क्रस्ट होती है, इनके जो अर्थ की जो ऊपर की जो लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट होती है, वहाँ पर सभी जगह पर ये फैले हुए हैं। ठीक है, अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस डैट हैज़ अ डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ अ मिनरल। अब जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो मिलने वाला हमारा जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, एक रासायनिक संगठन जो है उसका होता है, जिसको मिनरल कहा जाता है। जैसे कि पानी का भी एक होता है H2O, हम उसको बोलते हैं उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को। इसी तरीके से जो मिनरल्स का होता है, सॉरी, जो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस जो होता है उसका भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जिसको मिनरल कहा जाता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल है वो सभी जगहों पर नहीं होते, ठीक है, सभी स्थानों पर समान रूप से ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। देयर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, या फिर चट्टान के रूप में होते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट ईजली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड द अंटार्कटिका। अब जो कुछ ऐसे भी जो हैं मिनरल्स होते हैं जो विच आर जो जिसके पास हम आसानी से पहुंच नहीं सकते, जो हमें ईजिली मिल नहीं सकते, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड जो है वहाँ पर, और अंटार्कटिका में, यहाँ पे हमें ईजिली जो है मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, वहाँ तक हम ईजिली नहीं पहुँच पाते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन। अब जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो कई तरह का जो उनका जो जियोलॉजिकल मतलब
भूविज्ञानिक जो उनकी जो दशा होती है, जो इनका एनवायरनमेंट होता है, अंडर वियरिंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में जैसे कि वो होते हैं, देर आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये जो मिनरल्स बनते हैं या जो चट्टानें जो होती है, जो मिनरल्स होते हैं, ये जो है अपने आप इनका नेचुरल प्रोसेस होता है बनने का, इनके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, ये अपने आप नेचुरली जो है ये बनती हैं। देयर आर बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये किस तरीके से पहचानी जाती हैं, इनका जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनका जो कलर होता है, इनकी जो डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी होती है, और सच एज सॉलिबिलिटी, मतलब कि अगर वो घुल जाती हैं, सॉलिबिलिटी अगर वो घुल जाती है, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उनकी जो हार्डनेस है, कठोरता है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, कितना वो गहरी है, ठीक है, उसका कलर, इनसे ही जो है ये मिनरल्स जो हैं वो पहचाने जाते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स कितने तरह के होते हैं, देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। मिनरल्स क्लासिफाइड मेनली आर मेटिकल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। अब जो मिनरल्स हैं, 3000 से भी ज़्यादा तरह के जो हैं ये मिनरल्स होते हैं, खनिज जो हैं वो 3000 तरह से भी ज़्यादा के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो हम देखते हैं इसमें, ऑन द बेसिक ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल जो ये क्लासीफाई किए जाते हैं, ये कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, ये जो मेन है वो एक मेटालिक में आ जाता है और दूसरा आ जाता है नॉन मेटालिक में। तो मिनरल्स में एक मेटालिक और नॉन मेटालिक अगर हम देखें, तो मेटालिक में भी जो है कौन सा आ जाता है, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस क्या होता है, जैसे लोहा, ठीक है, और नॉन फेरियस होता है अलोह। तो ये है लोह, फेरियस होता है लोह, जिसको हिंदी में लोह कहा जाता है। तो पहले यहाँ पे हमें डू यू नो दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनाइट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। अब जो रॉक होती है वो काफ़ी सारे क्या होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स से जो है वो बनी होती है, एक से ज़्यादा उसमें होते हैं, लेकिन उसका कोई भी डिफाइंड कॉम्पोजिशन उसमें नहीं होता। Rocks from which minerals are mined are known as ores. और अगर हमें कोई ऐसा पत्थर मिलता है जो हमारा बहुत सारे, कोई ऐसा रॉक जिसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, और अगर हम उन मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं तो हम उसको ores कहते हैं। Although more than 2800 type of minerals have been identified, only about 100 are considered ore. अब जो 2800 type के जो minerals है, जिसमें से सिर्फ 100 को ही ore जो है, 100 को ही और कंसिडर किया गया है और मिनरल। दस वन कैन ईजली नोटिस डैट ऑल मिनरल्स आर रॉक, बट आर ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। अब ये जो है चीज़, दस वन कैन ईजली नोटिस, ये चीज़ नोटिस की गई है कि डैट ऑल मिनरल्स आर रॉक, कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब रॉक हैं, लेकिन ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स, लेकिन सभी जो चट्टाने होती हैं वो मिनरल्स नहीं होते इसमें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं द मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि इसमें हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक देखा। मेटेलिक कौन सा है, द मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, मेटल जो है वो रॉ फॉर्म में होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंटेक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टराइज्ड डस्टर और शाइन। जो मेटल होता है वो हार्ड सब्सटेंस होता है, जिससे कि क्या कंडक्ट होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इसकी जो कैरेक्टराइज्ड है वो क्या है, वो लस्टर और शाइन है, यानी कि जो उसकी खूबी है, जो उसकी विशेषता है वो क्या है, लस्टर और शाइन है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नाइस और आर सम एग्जांपल। आयरन और जो है, बॉक्साइट जो है, और जो मैग्नीशियस और जो है, वो कुछ एग्जांपल हैं किसके, मेटालिक के। मेटालिक मिनरल्स में भी फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। और जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस दोनों होते हैं। फ्यूरियस मिनरल्स कौन से हैं, जैसे कि आयरन और, मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट्स एंड कंटेन आयरन। और नॉन फ्यूरियस में आ जाते हैं मिनरल डज नॉट कंटेन, जिसके अंदर आयरन नहीं होता, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, दूसरा मेटल होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अब नॉन मेटालिक में कौन से आ जाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, इसके अंदर मेटल नहीं होता। इसमें कौन सा था, इसमें रॉ मेटल होता है मेटालिक में, लेकिन नॉन मेटालिक में मेटल नहीं होता। इस ये क्या है, लाइमस्टोन है, मीका है, जिंसम है, आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अब मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग।
अब जो मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं, माइनिंग करके निकाले जाते हैं, ड्रिलिंग करके, क्वारिंग करके निकाले जाते हैं। माइनिंग में जाते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स रॉ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरिड अंडर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब जो प्रोसेस होता है मिनरल निकालने का चट्टानों में से, अर्थ के अंदर से, तो उसको माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स डैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सर्फेस लेयर, दिस इज नोन द ओपन कास्ट माइनिंग। जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है ना, वो क्या होती है, शैलो डेप्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से जो है वो उसको रिमूव किया जाता है। सर्फेस जो होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। और जो डीप बोर होती है उसको, डीप जो गहराई से निकाला जाता है उसको शाफ्ट कहा जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपोजिट डैट लाई टू ग्रेट डेप्थ, जो कि गहराई से निकलते हैं उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ओकर फार बिलो टू अर्थ सर्फेस, डीप वेल आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। और जो डीप वेल, यानी कि बहुत गहराई से, जैसे बिल्कुल कुओं के अंदर से किया जाता है ना, डीप वेल आर बोर्ड टू टेक आउट देम, उसमें से जब बाहर निकाला जाता है तो उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। और जो मिनरल्स डेट लाई नियर द सर्फेस, जो सर्फेस के पास में से ही मिल जाते हैं, आर सिंपली डग, हल्का फुल्का जो उसको खोद के, बहुत ज़्यादा नहीं खोदना पड़ता, बहुत कम खोदना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को जो है क्वारिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मिनरल्स ओकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, अब जो मिनरल हैं वो कई तरह के जो हैं अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नीशियस रॉक, कुछ जो है इग्नीशियस रॉक की फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इन सब में क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही ज़्यादातर मिलते हैं। फॉर्मेशन डेट लार्ज प्लेट्यू, आयरन ओर इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन द, देखो अब यहाँ पर है सभी जगहों के नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है, कहाँ पर कौन कौन सी रॉक जो है वो पाई जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एशिया। अब एशिया के बारे में क्या बात हो रही है, चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट, चाइना और जो इंडिया है इनके पास जो आयरन ओर के सबसे ज़्यादा क्या हैं, डिपॉजिट है, ठीक है। The continent produce or more than half of the world tin, और क्या है यहाँ पे, इस ये जो continent है, ये जो महाद्वीप है, यहाँ पर world का यानी कि पूरे विश्व का आधे से भी अधिक जो है वो यहाँ पर tin produce जो है वो करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर among the world's leading tin producer, जो चाइना है और जो मलेशिया इंडोनेशिया हैं, ये जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाली जगहें हैं। चाइना आल्सो लीड द प्रोडक्शन ऑफ द लीड एंड एंटीमोनी एंड द टंगस्टन, अब जो चाइना है यहाँ पर जो है क्या और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोडक्शन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो लीड होता है सीसा, और एंटीमोनी और टंगस्टन के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है वो होता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ द मैग्नीशियम बॉक्साइड निकल जिन एंड कॉपर, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब यूरोप में भी हमें यही सब बताया हो कि वहाँ पर क्या होता है, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर इन द वर्ल्ड, अब यूरोप जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जो ज़्यादा उत्पादन है वो आयरन ऑर का है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ऑर रशिया, रशिया, उसके बाद है यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीशियम एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन एशिया। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन थ्री जोन्स, तीन जोन्स में हैं ये। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द कैनेडियन रीजन्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स एंड द अल्पाकियन रीजन एंड द माउंटेन्स रेंज ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, ठीक है। कैनेडियन शील्ड रीजन में क्या मिलता है, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, और कोल कहाँ मिलता है, कोल जो है अल्पेकियन रीजन्स में मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेटर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर देखो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में जो जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर वास्ट डिपॉजिट है, ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका में. उसके बाद साउथ अमेरिका में क्या है, और साउथ अमेरिका ब्राज़ील इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर जो है ब्राज़ील में आयरन ओर जो है वो प्रोड्यूस होता है. चीला एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर. और चीला पेरू में क्या है, कॉपर है. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर एमंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टिन. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, मीका, प्लेटिनम. ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, साउथ अमेरिका में. उसके बाद आ जाता है अफ्रीका. अफ्रीका इज़ रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट. देखो ये आपको ना खुद से ही सारा याद करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ है. अफ्रीका जो है वो वहाँ पे क्या है, रिच मिनरल रिसोर्स है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम. कहाँ पर, अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका जो है जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया प्रोड्यूस द लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड. द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका के में जो अदर जगह हैं अफ्रीका की, वहाँ पे अदर मिनरल्स जो पाए जाते हैं जैसे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कॉबाल्ट एंड द बॉक्साइट. और ऑयल भी क्या है, ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला. ऑस्ट्रेलिया में देखो और क्या है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं आगे, ऑस्ट्रेलिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट जो है वो प्रोड्यूस होता है. इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड भी होता है वहाँ पर, डायमंड, आयरन ओर और टिन एंड निकल भी होता है. इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीशियम. कैलगोरियाज एंड कूल गार्डियाज एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. और इन जगहों पे क्या होता है, ज़्यादा जो है वो गोल्ड का डिपॉजिट है. ठीक है, उसके बाद आगे है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में क्या आप देखते हैं, अंटार्कटिका में द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका सफिशेंटली वेन नोन एज द प्रिडिक्टिव एग्जिस्टेंसी ऑफ वराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट एंड सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल एंड ट्रांसेंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्लेस माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड. आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट द कमर्शियल क्वान्टिटी. अब काफ़ी अलग अलग तरह के जो खनिज जो हैं वो यहाँ पर जो है मिलते हैं. अब यहाँ पे जो ट्रांस आर्कटिक जो माउंटेन है, और जो आर्कटिक है जो ट्रांस आर्कटिक माउंटेन में, वहाँ पे जो कोल जो है वो ईस्टर आर्कटिक में प्रिंस चार्लस का जो माउंटेन है उसके निकट जो लोहे के इम्पोर्टेंट जो है क्या मिलते हैं, चार्ल ईस्ट आर्कटिक में फोरकास्ट है क्या, आयरन है वहाँ पर, ओर है, गोल्ड है, सिल्वर, ऑयल एंड ऑल्सो प्रेजेंट द कमर्शियल क्वांटिटी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया. और इंडिया के अंदर देखो आयरन कहाँ कहाँ पर है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है. बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर है इंडिया में वो भी लिखा हुआ है. यहाँ पे मिका कहाँ है, कॉपर, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड सॉल्ट. ये सब इंडिया में जिस जिस जगह पे वो उसके सामने लिखा हुआ. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के क्या क्या जो हैं वो यूज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. इसके जो हैं जेम्स आर यूजली हार्ड. इसके जो आपने देखा होगा कई इसके पत्थर होते हैं जो रतन बोलते हैं जिनको, रतन पत्थर, वो दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी. ज्वेलरी में सेट किया जाता है मिनरल को. कॉपर्स इन अदर मेटल यूजेज एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स में, पाइप्स में, सिलिकॉन में, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इसको जो यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम में होता है, ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. इज़ यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, इवन इन द किचन कुकवेयर में भी मिनरल्स को यूज़ किया जाता है. अब है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. अब मिनरल्स को किस तरीके से बचा सकते हैं. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. अगर इसको दोबारा बनने की बात की जाए तो हज़ारों साल इसमें लग जाते हैं बनने में. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स. इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है यानी कि जो बनने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल है, लेकिन जो कंजप्शन है, जो लोग मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है. मतलब कि यूसेस जो है, इस्तेमाल जो मिनरल को ज़्यादा किया जा रहा है. अगर इसके बनने की बात आए तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उससे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है,
इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. तो हमें क्या करना चाहिए, इसका जो यूज़ हम कर रहे हैं उसको रिड्यूस थोड़ा कम करना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ मैटर अदर, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीयूज, जो भी मिनरल हम यूज़ करते हैं उसको रीयूज करें या फिर रिड्यूस, उसको कम इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको रिसाइकिल करें. ठीक है, ये इसमें दिया गया है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ लिस्ट यूजेस ऑफ एनी फाइव मिनरल, कोई भी फाइव मिनरल के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं. ठीक है, अब आगे हमें दे रखा है पावर रिसोर्सेस. यहाँ पे हमें बता रखा है सनी की जो मदर है वो बीइंग हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर शी आयरन सनी स्कूल्स यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग अप. अब जो सनी की जो मदर है उसको स्कूल जाने से पहले, जब उसको उठाती है स्कूल के लिए तैयार होने के लिए उसको उठाती है, उससे पहले वो गीज़र ऑन कर देती है और उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको आयरन प्रेस कर देती है, आयरन कर देती है. शी देन रशेस टू किचन एंड प्रिपेयर द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. फिर वो उसमें जाके किचन में जाके उसके लिए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर से. फिर जो जो सनी है वो अपनी बात जब ले लेता है तो उसके बाद वो आके ब्रेकफास्ट करता है. उसकी मदर जो है वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, उसकी जो मदर है किस पे प्रिपेयर करती है अपना, उसका जो ब्रेकफास्ट है गैस स्टोव पे प्रिपेयर करती है. वाइल गोइंग टू स्कूल सनी, जब वो स्कूल जाता है सनी तो वो फ़ैन और लाइट के जो है स्विच ऑफ करना भूल जाता है, लेकिन उसकी मदर जो है बाद में स्विच ऑफ कर देती है. शी थिंक्स डैट, उसकी मदर बाद में सोचती है डैट इफ़ द सिटी मे बी मोर कम्फर्टेबल, कि शहरों में कितना आसान है ना, हम लोग फटाफट से गीज़र ऑन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कितने सारे काम हम यहाँ पर कर लेते हैं. बट इट डिपेंडेंसी और मोर एंड मोर गैजेट, लेकिन ये क्या है, एक डिपेंडेंसी है कि हम गैजेट्स के ऊपर क्या हो गए हैं, डिपेंड हो चुके हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो काफ़ी सारे काम जो हमारे वो रुक जाते हैं क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं. ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, और इन सब में क्या लगती है, कंज्यूम एनर्जी, ये सब बिजली से चलते हैं. हैज़ लेड टू वाइड गैप बिटवीन द डिमांड ऑन द सप्लाई. अब इसकी क्या डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है बिजली की, बहुत डिमांड बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. राइट द एडवेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट. ठीक है, अब जो है कितनी फास्ट, कितनी तेजी से जो लोगों का रहन सहन है उसमें कितना बदलाव आता जा रहा है. ठीक है, तो ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है. आगे है इसमें पावर ऑन एनर्जी प्लेस आर विचुअल रोल इन आवर लाइफ. जो पावर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर, जो ऊर्जा है, हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमें पावर इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए. पावर रिसोर्स मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल यूज़. अब जो पावर है उसको दो रूपों के, दो चीज़ों के अंदर जो है ना उसको डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, एक कन्वेंशनल एंड दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, यानी कि एक जो है ये दोनों संसाधन हैं, यानी कि एक है परंपरागत, कन्वेंशनल हो जाता है परंपरागत, और दूसरा हो जाता है गैर परंपरागत. अब जो कन्वेंशनल रिसोर्स है ये क्या है, कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक लंबे समय के लिए जो है ना बड़ा कॉमन होता है और एक लंबे समय के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फायरवुड बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी भी हो रहा है. फायरवुड एंड फॉसिल फूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. ये फायरवुड जो फॉसिल फूल्स फ्यूल्स जो हैं ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स के अंदर जो है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं. फायरवुड जो है इट इज़ वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कुकिंग के अंदर. आज भी हमारी कंट्री के अंदर जो 50% से ज़्यादा लोग जो हैं विलेज के अंदर इसी के ऊपर खाना पकाते हैं. ठीक है, रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स, जैसे कि इसके अलावा प्लांट्स एनिमल विच आर बरिड अंडर द अर्थ, दब जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और हज़ारों साल जो है गेट कन्वर्टेड बाई हीट, और हीट से और प्रेशर से वो क्या हो जाते हैं इंटू फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, किससे, हीट और प्रेशर से. फॉसिल फ्यूल्स सच एस, जैसे कि अब उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से हमारा क्या बनता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर द मेन सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी. अब ये जो है मेन सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी का. द रिजर्व्स ऑफ दीज एनिमल्स आर लिमिटेड, लेकिन जो इसका रिजर्व है वो इन मिनरल्स का क्या है, वो लिमिटेड है. द रेट ऑफ विच ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंजम्सिंग दैम इन फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन. अब इनको बनने में तो समय बहुत लग जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा
जल्दी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बनने में बहुत टाइम लग जाता है. सो दीज आर लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड सून. इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ये चीज़ें एक्सहॉस्टेड मतलब ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोयला यानी कि कोल. दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब इन सब चीज़ों में जो है इसका यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, आयरन एंड स्टील में इसका यूज़ होता है, स्टीम इंजन में यूज़ होता है, और बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल कोयले का किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल कोल. जिससे इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना उसको थर्मल कोल, थर्मल पावर कहा जाता है. द कोल, अभी हम थर्मल पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे. द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो. आज जो हम इस्तेमाल करते हैं कोयला, वो कब बना, वो हजारों मिलियंस ईयर्स पहले वो कोयला बना था जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं. वेन जाइंट फॉर्म्स एंड स्वैम गोट बरेड, जब ये सब चीज़ें दब गई थी, वेन अंडर द लेयर ऑफ अर्थ के नीचे, तब जो है कोयला देयर फॉर रेफर्ड एज बरेड सनशाइन. द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड एज चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. यहाँ पे जो है वो कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोड्यूस जाता है. द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी जगह है, रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बुकारा, इन जगहों पे एंड इन झारखंड में जो है यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा है. अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम जिससे कि कार चलती है, द पेट्रोल दैट कीप अवर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स अवर साइकिल एंड सीक्वेंसी बोथ बिगिन टू थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. अब जो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को क्या करता है, चरमनाने से रोकता है. जैसे कि आपकी साइकिल के अंदर आवाज़ आने लग जाती है ना, तो आप उसमें ऑयल देते हो तो वो चरमनाने से रोकता है उसको. दोनों की शुरुआत किससे होती है, दोनों की शुरुआत जो है एक थिक ब्लैक ऑयल जो होता है, गाढ़े रंग का जो है, काले रंग का होता है, जिसे कि पेट्रोलियम कहा जाता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक एंड द ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर द कोस्टल्स एरिया. ये जो पेट्रोलियम है ये शैल पत्थरों के बीच में पाया जाता है. ठीक है, दिस इज देन सेंड द इसको फिर रिफाइन किया जाता है. ठीक है, इतना काला होता है कि इसको रिफाइन किया जाता है. ये जो प्रोसेस होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये इस टाइप से होता है क्यूरिड ऑयल. इस क्यूरिड ऑयल को फिर रिफाइन किया जाता है, इसको प्रोड्यूस एंड वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस, इससे फिर क्या बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, किरोसिन बनता है, वैक्स बनता है, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट जो है फिर इसी से सब बनते हैं. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑल कॉल्ड ब्लैक कोल. इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक कोल जो है इसको बोला जाता है. एज देर आर वेरी वैल्यूबल, जिसकी बहुत वैल्यू होती है. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो जहाँ पे सबसे कम सस्ता जो पेट्रोल होता है वो होता है ईरान में, इराक में, सऊदी अरेबिया में और कतर में. ठीक है, द अदर मेजर प्रोड्यूस कहाँ पर है, USA में, रशिया, USA में ये आपको मिलेगा, ये वेंजुला और अल्जीरिया. और इंडिया में अगर बात करें हम, तो इंडिया में है डिगबोई इन असम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस. नेचुरल गैस फाउंड इन विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्यूरिड ऑयल इज बोर्ड ऑफ द सरफेस. अब जो नेचुरल गैस जो है, जो प्राकृतिक गैस है, वो पेट्रोलियम क्या करती है, किस तरीके से कहाँ पे पाई जाती है, ये फाउंड इन डिपॉजिट पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्यूरिड ऑयल इज ब्रॉट ऑफ द टू द. तो जब पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, जब पेट्रोलियम को किया जाता है, क्यूरिड ऑयल को निकाला जाता है, तो उससे पहले जो है वो नेचुरल गैस जो है वो बाहर की तरफ आती है. इट कैन बी यूज इन एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसको अब जो नेचुरल गैस को डोमेस्टिक में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है. जैसे रशिया, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड्स एंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, इन सब जगहों पे क्या है, नेचुरल गैस के जो है प्रोड्यूस होती है. इंडिया में कहाँ पर होती है, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोन इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज.
Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of on their own. बहुत ऐसी कम कंट्री है जिनके पास अपनी नेचुरल गैस है. The sharp increase of in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. यानी कि हम इसको अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये क्या है, इंक्रीजिंग अवर कंजम्पशन. अगर हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ख़त्म होने लग जाएगा. द टॉक्सिक पॉल्यूएंट्स रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दिस फ्यूल आर ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न. और जो इसमें से टॉक्सिक पॉल्यूएंट रिलीज होते हैं बर्निंग दिस फ्यूल, ये भी क्या है, ये भी एक कंसर्न की बात है, ये भी एक समझने की बात है. अनचेक्ड बर्निंग ऑफ द फ्यूजल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड डिप्रेटिंग टैप विच विल बी इवेंचुअली रन ड्राई. अभी इन्होंने क्या बोला कि अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल, मतलब कि इस तरीके से ख़त्म होगा. कैसे ख़त्म होगा, कि इज लाइक एन अनचेक ड्रिपिंग टैप. जैसे कि आपने कोई टैप खोल दिया और आप उसको बंद करना भूल गए तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा. इसी तरीके से ये भी जो है, अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे इंक्रीजिंग, इसकी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. दिस हैज़ लेड टू बी टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फ्यूजल फ्यूल्स. तो हमें कोई एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये ख़त्म ना हो जाए. इसके लिए हमें क्या, अलग से जो क्लीनर अल्टरनेटिव है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है अब हाइडल पावर. इससे पहले हम यहाँ का एक फैक्ट पढ़ लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ पॉपुलर. जो ये नेचुरल गैस जो सीएनजी होती है पॉपुलर क्यों, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होती है. ऑटोमोबाइल फ्यूल इज़ द कॉज ऑफ लेस पोल्यूशन, इससे कम पोल्यूशन होता है. एंड इससे एंड देन पेट्रोलियम एंड डीजल. और इससे क्या है, इको फ्रेंडली है ऑटोमोबाइल, फिर इस कॉजेज इज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल. पेट्रोलियम एंड डीजल से इससे कम पॉल्यूशन होता है जितना कि उनमें होता है. सेकेंड है हाइड्रो पावर. इससे पहले यहाँ पे दे रखा, डू यू नो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जो नॉर्वे है वो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ था. रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम इज मेड ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट. द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स. अब देखो जो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस टाइप से ये देखो हाइड्रल पावर ये जो इन्होंने बना रखा है, ऊपर से क्या होता है यहाँ पे फ्लो से जो है वाटर आता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स. पाइप्स के थ्रू जो पानी आता है इन साइड द डैम ओवर टर्बिंग ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम. और नीचे की तरफ जो इसमें कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं डैम में, बिल्कुल नीचे की तरफ द मूविंग ब्लेड्स, जब ये ब्लेड्स घूमते हैं एंड देन टर्न द जनरेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या है बिजली बनती है. दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहा जाता है. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द यूज्ड फॉर इरीगेशन. जब ये पानी इस्तेमाल हो जाता है बिजली बनने के लिए तो इसी पानी को जो है फिर इरीगेशन के लिए खेतों में दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रल पावर. जो 1/4 वर्ल्ड के अंदर जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रल पावर से ही से जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रल पावर जो वर्ल्ड का जो है इन जगहों पर वो है. सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रल पावर सिचुएशन इंडिया में जो है वो हमारे हैं यहाँ पे पाखर नांगल, गांधी सागर में, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली जो है यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के. अब आ जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अभी तक हमने सभी कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इससे क्या हो रही है, कमी आ रही है, शॉर्टेज आ रही है. इट इज़ एस्टिमेट्स दैट इट इज़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज. द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल विल बी गेट एग्जॉस्टेड. इससे क्या होगा कि इतनी जल्दी तो बनेंगे नहीं, और लेकिन ये इसकी यूजेज जो ज़्यादा हो रही है तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी. मोर एवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. देयर फोर देर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोलर एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी विच आर रीन्यूएबल, जो कि हम इसको रीन्यू कर सकते हैं. इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे सोलर एनर्जी में क्या जाता है,
सन हीट है, लाइट एनर्जी है, गेट बी फेल्ट बाय एवरी डे, क्योंकि ये तो रोज होती है, सन हीट तो एवरी डे होती है, तो इससे सोलर एनर्जी ट्रैप ऑफ द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपने अब तो कई घरों में देखा होगा कि सोलर पैनल जो है वो लगे होते हैं, तो यहाँ पे देखो सब बता रखा कि विंड एनर्जी के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रखे हैं, टेडर एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी के, बायोगैस के, और इसके भी हमें जियोथर्मल एनर्जी के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें इसमें सबके बता रखे हैं, ठीक है। अब मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट इन सोलर पैनल, काफ़ी सारे सेल्स जिनको ज्वाइन किया जाता है सोलर पैनल के अंदर, जिससे कि हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग और लाइटिंग से जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट इससे क्या है, अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंस सनशाइन, काफ़ी सारी रोशनी होती है, काफ़ी सारी जो है सनशाइन होती है, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। अब जो सोलर एनर्जी है वो सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में भी जो है बिसाइड बींग यूज किया जाता है फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल में भी, जैसे कि कम्युनिटी लाइटिंग जो समुदाय में वहाँ पे लाइटिंग के लिए और ट्रैफिक सिग्नल पे भी ये यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी, जिसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। विंड इज एन इनएक्सॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो विंड है वो एक ऐसी है जो कि इनएक्सॉस्टेबल, जो ख़त्म नहीं होने वाली एनर्जी है विंड। तो विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स ऑफ लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोरेबल इन, देखो अब जो है विंड एनर्जी से क्या होता है, चक्कियाँ चलाई जाती है, ग्राइंडिंग ग्रेन्स फॉर, चक्की चलाई जाती है उसके लिए, अनाज को पीसने के लिए जो इसको यूज़ किया जाता है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस अब आजकल जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल्स विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो है बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड टू कोस्टल रीजन्स एंड इन द माउंटेन पासिस फ्रॉम द स्टोरेज, अभी कहाँ पर है जो विंड फार्म्स हैं, कहाँ पर है क्लस्टर ऑफ सच, जैसे कि विंड मिल में कहाँ पर पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, और कहाँ पर माउंटेन्स में पासिस, जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एंड जहाँ पे बड़ी तेज़ी से हवा चलती है ना, वहाँ पर ही विंड एनर्जी जो है यूज़ हम कर सकते हैं। और जो विंड फार्म्स होते हैं जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होते हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन होती है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर, यानी कि परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फॉर एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम नेचुरल ऑकरिंग रेडियोज एक्टिविटी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। देखो ये जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इस टाइप से होता है। कहाँ से हमारी न्यूक्लियर पावर जो हमें मिलती है, ये हमें मिलती है नेचुरली ऑकरिंग, कहाँ से, रेडियो एक्टिव से एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम से और थोरियम से। These fuses undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producer of nuclear power जो सबसे ज़्यादा है वो USA और यूरोप में है, और इंडिया के अंदर राजस्थान, झारखंड और लार्ज डिपॉजिट जो है वो है यूरेनियम का। थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वान्टिटी इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में है द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। कहाँ पर है ये, इंडिया के अंदर कलपंगा में जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर इन द महाराष्ट्र में, एंड राणा प्रताप सागर जो कोटा राजस्थान में है, और नोरा इन उत्तर प्रदेश में, और कीगा और कर्नाटका में है, ठीक है, कीगा इन कर्नाटका। तो इस तरीके से देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी का आपको ये दिखाया गया है किस तरीके से इसमें न्यूक्लियर, यहाँ पर किस तरीके से ये देखो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना, कैसे काम करता है यहाँ पर सारा दिखाया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मिकल एनर्जी जो है ये इसमें हीट होती है, कहाँ से निकलती है वो हीट जो ऑब्टेंड होती है वो अर्थ में से निकलती है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि जो अंदर अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर राइज होता है बहुत गहराई में जाके, एज वी गो टू डीपर सो टाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इट्सेल्फ फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, तो क्या हो जाता है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज फॉर जनरेट पावर, इससे क्या है, इससे भी पावर को जनरेट किया जा सकता है।
जियोथर्मिकल एनर्जीज फॉर्म हॉट स्प्रिंग, ये कहाँ कब होती है? हॉट स्प्रिंग में हैज़ बीन यूज फॉर, जैसे कि खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कई बार जो है इसको इस्तेमाल नहाने के लिए भी इस पानी को किया जाता है। और ज़्यादातर यूएसए में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मिकल पावर प्लांट है, और न्यूजीलैंड में भी है, आइसलैंड में, फिलीपींस में, सेंट्रल अमेरिका में, इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है? ये मणिकरण में, जैसे कि है हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली एंड लद्दाख में है। इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है वो बहुत ही गर्म हो जाती है, और जो उसके ऊपर पानी जब आता है तो पानी भी बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, आपने हो सकता है मणिकरण में देखा हो। उसके बाद आ जाता है टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी कौन सी होती है? अब जो टाइडल एनर्जी है कैसे जनरेट होती है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड। टाइड्स क्या होती है? लहरें। इनसे जो है ये एनर्जी जो है जनरेट होती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग टू ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड ऑफ एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो जैसे कि ये क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने डैम में क्या कर रखा है, एक टर्बाइन जो है जिसको फिट कर रखा है। तो जब जोर से लहरें आती हैं, जब टाइड्स बड़ी तेज़ी से आती हैं, तो ये जो टर्बाइन उन्होंने फिट कर रखा है, तो फिर ये जो टर्बाइन है वो चलने लग जाता है, फिर ये जो जनरेटर है ये ऑन हो जाता है, जैसे कि फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इससे एनर्जी जो है इससे हमारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, जब हाई टाइड्स आती हैं तो ये टर्बाइन घूमने लग जाता है, फिर इससे जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बायोगैस। बायोगैस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से होते हैं? जैसे कि डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल मटेरियल होता है, एनिमल डंग जो होता है, और जो किचन वेस्ट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल के अंदर, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसको डीकम्पोज किया जाता है बाय बैक्टीरिया से इन बायोगैस डिग्रेजिस्टेड टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, जो बायोगैस है बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर ईच ईयर। एनर्जी इज एवरीवेयर, जो एनर्जी है वो सब जगह पर है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज मोर डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ईच ऑफ वन अस कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हमें एनर्जी जो है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव इज एनर्जी, एनर्जी से ही हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, सॉरी एनर्जी सेव करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, और जो हमारा एनर्जी फ्यूचर है उसको हम सुनहरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।